फैक्ट सीरीज में आज हम लेकर आए हैं दुनिया के ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही कभी आपने सुने हो। ये फैक्ट्स बेहद शानदार नॉलेज से भरे हुए हैं, तो चलिए देर किस बात की है, आइए जानते हैं। फैक्ट नंबर वन, अगर आप सोचते हैं कि ताजमहल सिर्फ भारत के आगरा शहर में है तो शायद आप गलत हैं। चीन ही नहीं, बांग्लादेश में भी ताजमहल की नकल बनाई जा चुकी है। इस ताजमहल को बांग्लादेश के एक एहसानुल्ला मोनी नाम के धनी फिल्म निर्माता ने बनाया। इस फिल्म निर्माता का कहना है कि ताजमहल का नकल बनाए जाने पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन ढाका से 30 किलोमीटर दूर अब ये ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार है। इसे बनाने में 4,11,70,00,000 भारतीय रुपयों की लागत आई है। इसकी साइज और डिजाइन असल ताजमहल से मिलती है। इसे बनाने के लिए इटली से संगमरमर और ग्रेनाइट, बेल्जियम से हीरे मंगवाए गए। इसके गुंबद को बनाने में ही 160 किलो पीतल का प्रयोग किया गया। इसे बनाने में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया, इसलिए इतने कम समय में बनकर तैयार हो गया। नहीं तो इसे बनाने में लगभग 20 साल का समय और 22,000 मजदूर लगते। फैक्ट नंबर टू, नदियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं। लेकिन क्या ऐसे देश भी हो सकते हैं जहां एक भी नदी ना हो? जी हाँ, दुनिया में ऐसे एक दो नहीं बल्कि 17 देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती। सऊदी अरेबिया उन देशों में सबसे बड़ा देश है जहां कोई भी नदी नहीं है। इसके अलावा कतर, यूएई, ओमान और कुछ आइलैंड्स नेशंस जैसे कि बहामास, माल्टा और मालदीव्स ऐसे देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है। फैक्ट नंबर थ्री, आप इस वीडियो में जो घोड़ा देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे सुंदर घोड़ा है और इसका नाम है अखल टेके। अखल टेके की सुंदरता और चमक एक बेशकीमती धातु की तरह है। ये दुनिया में घोड़ों की सबसे सुंदर नस्लों में से एक है। ये घोड़ा तुर्कमेनिस्तान से है जिसकी चमक किसी राजसी घोड़े से कम नहीं है। इस घोड़े को लेकर दुनिया भर में काफी चर्चाएं होती रहती हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यदि दुनिया में कहीं भी घोड़े की बात होती है तो अखल टेके का जिक्र जरूर होगा। इसकी सुंदरता को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि घोड़े की आनुवंशिकी की वजह से इसकी स्किन चमक के साथ साथ लाइट को भी रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस नस्ल के घोड़ों की संख्या दुनिया में केवल 1250 ही बची है। चीन के लोग तो इसे हॉर्सेस फ्रॉम हेवन के रूप में मानते हैं। फैक्ट नंबर फोर, जलेबी का नाम सुनते ही हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है और अगर खाने को मिल जाए तो क्या कहने। लेकिन क्या आपको पता है कि जलेबी का इंग्लिश नाम क्या है? जलेबी को इंग्लिश में राउंडेड स्वीट या फनल केक कहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसके लिए स्वीट मीट और या सिरप फिलिंग रिंग जैसे इंग्लिश वर्ड का भी यूज करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम सबकी चहेती मिठाई जलेबी भारत की है ही नहीं। हालांकि किस देश से भारत में आई थी इसका प्रामाणिक इतिहास अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन ये भारत में 500 साल पहले आई थी। संस्कृत में जलेबी को कुंडलिका कहा जाता है, वहीं कुछ लोग इसे जलवल्लिका भी कहते हैं। इसी जलवल्लिका से इसका नाम बाद में जलेबी हो गया। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में जलेबी को मछली के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल फैक्ट टेक इन हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।